नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल डी एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऊटी लहसुन की खेती कैसे करें। बहुत कम किसान भाई ऊटी लहसुन की खेती करते हैं। इस वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण व इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। ऊटी लहसुन की बॉय करते हैं तो हमें कितने बीज दर की आवश्यकता होती है और बीज कहाँ मिलेगा, और हमें ऊटी लहसुन की बॉय किस प्रकार करनी चाहिए और बॉय करने का सही समय, और हमें किस प्रकार की मिट्टी में लहसुन की बॉय करनी चाहिए और कितना खर्चा आता है, किसान भाई एक बीघे में कितने पैसे कमा लेते हैं, और हमें ऊटी लहसुन की बॉय किस प्रकार करनी चाहिए। किसान भाई, आपको इस वीडियो में ऊटी लहसुन की खेती के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दबाए पास के बेल आइकन को नई नई वीडियो नई नई जानकारी सबसे पहले देखने के लिए। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आज के इस युग में परंपरागत खेती से उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना न्यूनतम से कमा सकते हैं। किसान भाइयों, 2020 में ऊटी लहसुन के भाव की बात करें तो ऊटी लहसुन का भाव 10,000 के ऊपर बना हुआ है, और अगर इसकी खेती करें तो और भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए किसान भाई ऊटी लहसुन के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, बात करें तो ऊटी लहसुन का बीज कहाँ मिलेगा। अगर आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में लहसुन की खेती करना चाहते हो किसान भाई, उसका तमिलनाडु के साइड ऊटी का नाम एक शहर, वहाँ पर ऊटी लहसुन मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर किसान भाई आप बड़ी मंडियों नीमच मंसूर के व्यापारियों के थ्रू भी लहसुन को मंगवा सकते हो और मंडियों में जाकर भी लहसुन को खरीद सकते हो। ऊटी लहसुन मंडियों में आसानी से मिल भी जाएगा। और किसान भाइयों, बीज दर की बात करें तो एक बीघे में 1.5 से 2 क्विंटल बीज दर की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अगर आप अभी लहसुन को लाते हो तो लहसुन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि लहसुन अभी गीला भी आ सकता है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा बीज दर की आवश्यकता होती है। किसान भाई, अब बात करते हैं समय की। अगस्त में बुआई करने का सही समय है। किसान भाई, अगस्त में लहसुन की बुआई करते हैं तो वर्षा ऋतु में खेत को खाली छोड़ना पड़ेगा, तभी अगस्त के महीने में ऊटी लहसुन की बुआई कर सकेंगे। किसान भाई, अब बात करते हैं ऊटी लहसुन की किस प्रकार बुआई करनी चाहिए। ऊटी लहसुन का आकार बड़ा होता है, इसलिए हमें ट्रैक्टर या ड्रिल मशीन के द्वारा इसकी बुआई हम नहीं कर सकते। बेहतर ये होगा कि अपने हाथों से चौपाई करें या मजदूरों के साथ चौपाई करें। किसान भाई, अब बात करते हैं ऊटी लहसुन के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, ऊटी लहसुन के लिए काली कठोर मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसे किसान भाई ज़्यादा मुनाफा मिल सके। किसान भाई, ऊटी लहसुन की बुआई करते समय हमें अपने खेत को किस प्रकार तैयार करना चाहिए। किसान भाइयों, आप अपने खेत को अच्छी तरह से आकार जुताई कर ले। लहसुन की बुआई करने से पहले अगर आप कौन सा भी खाद डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, जिससे आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। किसान भाई, हमने इन सभी बातों के बारे में बात की है। अब बात करते हैं बीज दर की लागत की। एक बीघे में कितने बीज दर की लागत आती है। किसान भाइयों, मान लीजिए 15,000 के भाव से 1 क्विंटल लहसुन लाते हैं, एक बीघे में 30,000 की लागत प्लस 10,000 मजदूरों चुपाई के, कुल मिला के 40,000 की लागत एक बीघे में आती है। किसान भाइयों, अगर हम अच्छी तरह से खेती करते हैं तो एक बीघे से हम 20 से 25 क्विंटल उत्पादन तक ले सकते हैं। और भाव की बात करें तो अगर ऊटी लहसुन 10,000 के भाव से बिकता है तो 2 लाख से ज़्यादा पैसे हम कमा सकते हैं एक बीघे से। तो इसमें लागत ज़्यादा होती है लेकिन बचत भी होती है, इसलिए किसान भाइयों अलग तरह से खेती करके किसान भाई ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में इतना ही। तो हम मिलते हैं अगली ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।